बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये स्लोगन हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और कुछ ऐसी ही धारणा जो है वो राज्य के मामले में भी कही जाती है। ये धारणा है कि जो छोटे राज्य होते हैं वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छी तरह से मैनेज हो पाता है, सारा कुछ जो काम है वो बेहतर तरीके से हो पाता है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो तमाम लोगों के पहुंच में वो होती हैं और नज़दीक होती है। कुछ ऐसी ही बात कहा करते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी छोटे राज्यों के पक्षधर थे। वो इस बात को मानते थे कि जो छोटे राज्य हैं उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से हो पाता है। और कुछ ऐसी ही मांग जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में उठ रही है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य के चार हिस्से करने, यानी कि इसको चार और राज्यों में विभाजित करने की मांग जो है, और इस प्रकार का एक प्रस्ताव है। जब मायावती सरकार हुआ करती थी तब उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा था और इसकी काफ़ी मांग बहुत लंबे समय से उठती रही है, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो एक राज्य है इस राज्य को तमाम जो विकास है उससे काफ़ी दूर रखा गया और बहुत सारे इसके क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी सही तरीके से विकास को तरस रहे हैं। इन दिनों इस राज्य के जो पूर्वी हिस्से में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन इस वजह से हो रहा है कि सभी लोग एक राज्य बुद्धा लैंड नामक राज्य की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन को कवर किया हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राम सिंह गौतम ने, सुनते हैं। मैं गोरखपुर में हूँ और मेरे साथ धीरेन्द्र प्रसाद जी हैं। इनकी बहुत जरूरी मांग है जो लंबे समय से लेकर के लोगों के बीच में है और लगातार ये 2006 से लेकर के 2022 तक लगातार इन्होंने संघर्ष किया। उस मांग को हम पूछते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये बुद्धा लैंड की मांग करें। सबसे पहले मेरे फाउंडेशन आपका स्वागत है। आप जो है बुद्धा लैंड की मांग करें, आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि छोटा राज्य होता है तो विकास तेजी से होता है। आप देखिए अमेरिका में 25 करोड़ की आबादी है, 50 राज्य है, हमारे यहाँ 24 करोड़ की आबादी पर एक राज्य है। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर है। शासनिक प्रशासनिक संतुलन के लिए, बेहतर न्यायिक व्यवस्था के लिए छोटे राज्य होने चाहिए। आप समझिए एक उदाहरण से कि 24 करोड़ की आबादी पर एक हाईकोर्ट है, 25-25 सालों में मुकदमों के फैसले आ रहे हैं। अगर ये यहाँ चार राज्य बन जाते तो चार हाईकोर्ट होता, मुकदमों के फैसले जल्दी आते कि नहीं? लेकिन फैसले तो आए रहे ना, बुलडोजर चल ही रहा है, तो फिर अब किस फैसले की जरूरत पड़ रही है? ये तो ऊपरी लोग हैं, चार दिन के लोग हैं, फिर गायब हो जाएंगे। असली जो समस्या है देश की बेरोजगारी भुखमरी, उसमें हमारा पूर्वांचल सबसे पीछे है। आप देख लीजिए पूरे देश में हमारे यहाँ से लेबर सप्लाई होती है, तो लोगों का होश आ रहा है, वो चार दिन की बात है। और बुलडोजर एक जगह चलता है, चार लोग उस पर चिल्लाते हैं और मीडिया उसको 4 करोड़ बना करके बाद पेश कर देती है। असल में जो लोगों की जो लोगों का दर्द है, आवाज़ है, वो मीडिया नहीं दिखाती है। आप बताइए यहाँ पर मिनिस्ट्री मीडिया के कितने लोग हैं? जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो बहुजन ब्लॉगर्स हैं, वही यहाँ पर आए हैं। मिनिस्ट्री मीडिया इस खबर को गायब कर दी। अब इसको जब कोई देखेगा ना तो कोई क्या जाने का बुद्धा लैंड का आंदोलन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर बुद्धा लैंड अगर मिलता है तो आपको सबसे बेहतरीन जो है रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में? देखिए सबसे बेहतरीन बात यह होगी कि हमको लखनऊ भाग करके नहीं जाना पड़ेगा। हमको पीजीआई में इलाज कराने के लिए 300 भैया जाना पड़ेगा। भैया का जो बास्केट है उसको गत्ते में पैक करवा दीजिए। इधर हैंडल वाला कैरी बैग नहीं है भैया, गत्ते में पैक करवाइए ना। आज हमारा अलग होगा, इसका अलग मंत्री होगा, अलग लोक सेवा आयोग होगा, अलग हाईकोर्ट होगा, तो हमारा सारा सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ जाएगा। और आप समझिए कि जो 24 करोड़ आबादी का लोड एक मुख्यमंत्री के ऊपर है वो हट करके 8 करोड़ आबादी का हो जाएगा। जो आज 72 जिले हैं वो हट करके 27 जिले हो जाएंगे। तो न्यायिक व्यवस्था हो, शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हो, तेजी से आगे बढ़ेगी और यहाँ पर बदलाव आएगा। और सबसे बड़ा बदलाव इसके नाम को लेकर के है। 2500 साल पहले बुद्ध यहाँ आए थे, पूरी दुनिया बुद्ध को मानती है, पूरी दुनिया बुद्ध को यहाँ नमन करने आना चाहती है। बुद्धा लैंड के नाम से राज्य बनते ही पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा, पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आएंगे, घूमने फिरने, केवल बुद्ध के नाम पर जो टूरिज्म होगा ना, टूरिज्म उद्योग जो होगा उसी से यहाँ पर इतने रोजगार पैदा हो जाएंगे कि हमारे लोगों को दिल्ली मुंबई जो है काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है। अभी आप 2006 से लेकर 2022 तक संघर्ष, अभी तक कितने जिलों में आपको अपनी खबर लगा? हमारा 2700 जिलों में संघर्ष चल रहा है, 2700 जिलों में आंदोलन चल रहा है। बस ये मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा, मीडिया दिखा नहीं रही है। और जैसा कि बाकी जो देश की मूलभूत समस्या है उस पर मीडिया किनारे की हुई कि वो उसको घुमा फिरा कर हिंदू मुस्लिम दिखा रहा है, उसी तरह से यह भी समस्या है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। 2008 में हम लोगों ने रेल चक्का जाम किया,
कुछ उस तरह का काम हम लोग इस साल भी करेंगे। साथियों मेरे साथ मांग कर रहे हैं और इनकी मांग में कई उत्तर प्रदेश के कई जिले के लोग आकर के सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने बखूबी तरीके से लड़ाई की बात की है। साथियों आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा जरूर बहुत बहुत साधुवाद। Let's go!